बरसों से सेंट्रल जेल में बंद सुभाष ठाकुर की मुन्ना बजरंगी से काफी नजदीकियां रहीं, लेकिन उसी बजरंगी को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारोपी सुनील राठी को उसी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा है जिस जेल में सुभाष ठाकुर बंद है। जेल से जुड़े सूत्र बताते हैं कि बरसों पहले मुन्ना बजरंगी ने पूर्वांचल से लेकर गुजरात व महाराष्ट्र में अच्छा खासा दखल रखने वाले सेंट्रल जेल में निरुद्ध माफिया सुभाष ठाकुर से आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद बजरंगी ने अपनी पत्नी सीमा सिंह को जौनपुर से विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारने की तैयारी की थी। सेंट्रल जेल में बंद अपनों के बीच बाबाजी के नाम से चर्चित सुभाष ठाकुर की पूर्वांचल के जयराम की दुनिया में कम दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि उनका साम्राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में फैला हुआ है। फिर भी पूर्वांचल में ऐसा सिपहसालार चाहिए था जो जरूरत पड़ने पर मजबूती से खड़ा हो सके, क्योंकि सुभाष का चेला रहे ब्रजेश सिंह से खटास होने के बाद मुन्ना बजरंगी ने सुभाष ठाकुर से जेल में मुलाकात के दौरान आशीर्वाद मांगा, जो उसे मिल गया था। बीते दिनों मुन्ना की हत्या बागपत जेल में सुनील राठी ने गोली मारकर कर दी थी। अब शासन ने मुन्ना की हत्या करने वाले शूटर राठी को सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में शिफ्ट करने का आदेश दिया है, जिसे सेंट्रल जेल में मुन्ना को आशीर्वाद देने वाले सुभाष ठाकुर बंद हैं और उसका जेल में सिक्का चलता है। माफिया मुन्ना डॉन बजरंगी ने भी लंबा समय फतेहगढ़ जेल की सलाखों के पीछे बिताया था, जहां उसके साथ किसी जमाने में माफिया सुभाष ठाकुर और मिर्जापुर के बाहुबली निलंबित विधायक उदयवान सिंह साथ में रहे थे। बागपत जेल में माफिया मुन्ना बजरंगी को जेल की सलाखों के अंदर गोलियों से छलनी करने वाला माफिया सुनील राठी अब फतेहगढ़ जेल में रखा जाएगा। मुन्ना बजरंगी से जुड़े लोगों के बीच सुनील राठी का भेजा जाना लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा।